बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स, में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नुसरबाजों से भी बच के रहें। नाज़रीन आज हम दोबारा प्रोग्राम करेंगे कैश वर्थ के ऊपर, दोबारा हम लबकुशाई करेंगे राजा रियाज के ऊपर। दोबारा से आज लबकुशाई की जाएगी उस बहरूपिये के ऊपर, उस लुटेरे के ऊपर, उस फ्राडी के ऊपर, उस नुसरबाज के ऊपर कि जो अपनी ही बातों में यू टर्न लेने का माहिर है। आज कुछ और सबूत आपके सामने रखेंगे क्योंकि राजा रियाज क्रिकेट की जरा रंग बदलता है। वो हम आपको, वो तो सिर्फ हवाओं में तीर चलाता है, ताहिर नसीर उसी की वीडियोस उठा के आपको बताएगा कि क्या राजा रियाज तब सच्चा था या राजा रियाज आज सच्चा है। फैसला आपने करना है। इसके साथ साथ वन नेटवर्क के ऊपर भी बात करेंगे, अमीर हुसैन उर्फ आमिर मुग़ल के ऊपर भी रोशनी डालेंगे। अमीर हुसैन उर्फ आमिर मुग़ल चकवाल का वो रहायशी है कि वो कहते हैं कि जो डैन होती है वो भी अपने दो तीन घर छोड़ देती है, लेकिन अमीर हुसैन आमिर मुग़ल साहब वो डैन है कि इन्होंने सबसे पहले जो डस्सा है वो अपने चाचे की ज़मीन हड़प की है। उसके ऊपर ऑलरेडी हम प्रोग्राम कर चुके हैं। अमीर हुसैन और आमिर मुग़ल के ऊपर भी कुछ रोशनी डाली जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ देखिए जहाँ पे जो अच्छा प्रोजेक्ट लाएगा हम उसके ऊपर भी प्रोग्राम करेंगे। जो अच्छी चीज़ें आपकी होंगी, पॉजिटिव इमेज होगा, उसको भी आवाम तक पहुँचाएँगे। अब अल हयात ग्रुप आपको मालूम है कि जहांज़ेब आलम का है। अल हयात ग्रुप का पहला प्रोजेक्ट जो हमने फिज़िकली ख़ुद विज़िट भी किया, मोती बाज़ार। अब हमें कुछ और आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं मार्केट में कि अल हयात ग्रुप के जो मालिक हैं जहांज़ेब आलम, वो भी नेटवर्किंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमें कुछ DHA से कुछ मालूमात मिली हैं, कुछ आवाज़ें भी आ रही हैं 32 कनाल और मेगा स्टोर और इस तरह के, वो जिस तरह आपको मालूम है कि जो बिजनेसमैन होता है, जो फ्रॉडी होता है, वो बड़े बड़े दावे करता है। तो इसी तरह कुछ हमारे तक आवाज़ें पहुँची हैं जी 32 कनाल लैंड ली गई है। अब वो लैंड किसकी है, इसके ऊपर हम डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर रहे हैं, टीमें काम कर रही हैं। जैसे ही वो हमें मौसूल होगा तो हम आपको असलियत बताएंगे कि मेगा स्टोर का प्रोजेक्ट क्या है, 32 कनाल ज़मीन की हकीकत क्या है। क्योंकि जो पहला प्रोजेक्ट था मोती बाज़ार, नो डाउट वो प्रोजेक्ट था, उसको हमने अपने यूट्यूब चैनल पे प्रमोट किया। राजा रियाज भी कोई ऐसी चीज़ लेके आए, आमिर मुग़ल भी ऐसी चीज़ लेके आए, तो ताहिर नसीर उनको भी उबलाइज करेगा, लेकिन वो नौसरबाज हैं, नौसरबाजी के माहिर हैं। खैर कैश वर्थ के ऊपर बात करते हैं। नाज़रीन मैं आपको दो वॉइस नोट सुनाता हूँ। देखिए मैं अक्सर कहता हूँ कि पाकिस्तानी आवाम की याददाश्त बहुत कमज़ोर है, ये भूल जाते हैं माजी को, और माजी इस कदर तलख होता है कि उसको बुलाया नहीं जा सकता। तस्वीरें अक्सर झूठ भी बोलती हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें माजी की ऐसी होती हैं कि जब सामने आती हैं तो इंसान को वो वक्त याद आ जाता है। राजा रियाज के यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़े प्रोग्राम, राजा रियाज की अपनी आवाज़, अब दोनों में कंट्राडिक्शन देखें कि ये नौसरबाज किस तरह झूठ बोलते हैं। अच्छा एक बात आप अपने जहन नशीन कर लीजिएगा, ये जितने बड़े बड़े नौसरबाज होंगे या तो इन्होंने सुन्नत रसूल रखी होगी, या कलमा और या कसम इनके लबों पर आती है हमेशा से। अब जो कैश वर्थ का राजा रियाज है वो अक्सर प्रोग्रामों में कलमा पढ़ के लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश करता है, क्योंकि ये लोग भूल जाते हैं कि यार मौत का एक दिन मुतय्यन है, जो वक्त जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं है, लेकिन हिर्स और लालच इंसान को इस नहज तक ले जाती है कि वो झूठे अलफ भी उठाना लग जाता है। राजा रियाज की अपनी वीडियोस, राजा रियाज की अपनी आवाज़, यकीन आपने करना है कि राजा रियाज तब सच्चा था या राजा रियाज आप सच्चा है, ये जरा दोनों वॉइस नोट सुने। राजा रियाज आ रहा है पाकिस्तान, मैं आपको बता रहा हूं, पब्लिकली अनाउंस कर रहा हूं, मैं आ रहा हूं पाकिस्तान, मैं किसी के बाप का मुलाजिम नहीं हूं। मुझे कोर्ट बुलाएगी मैं जाऊंगा, मुझे कोई इदारा बुलाएगा मैं जाऊंगा, मुझे किसी ने एयरपोर्ट पे गिरफ्तार करना है मैं हाजिर हूं। और ये जहन में रखिएगा, जब तक B4U के लोगों को अकोमोडेट ना किया गया, जब तक ये बुझे हुए चूल्हे दोबारा ना जुले, जब तक वो खोई हुई खुशहालियां वापस ना आई, मैं कलमा पढ़ के कहता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, शायद मेरी मैयत तो पाकिस्तान जा सकती है, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं सोच सकता हूं। मैं अगर आया हूं तो मैं कश्तियां जला के आया हूं, मैं कुछ बड़ा करने के लिए आया हूं, कुछ ऐसा करने के लिए आया हूं कि जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं है। मैं अगर इस दुनिया में ना भी रहा
तो कम से कम लोग मेरे किरदार को याद रखें। तो मैं कैश वर्थ के उन नाजरीन से मुखातिब हूं कि राजा रियाज के बकौल बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आई है। अब मलिक नवीद ने भी बैक मार दिया। मलिक नवीद ने कुछ लोगों को कहा जी मैंने तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं की, सिर्फ मेरा नाम बेचा जा रहा है। सैफुर्रहमान खान न्याजी से एक चैनल के जरिए बात हुई तो सैफुर्रहमान खान न्याजी ने यहाँ तक कहा कि जब मैं जेल था, पाबंदे सलासल था, तो मैंने अपनी अहलिया यानी कि रोमैसा को मना किया हुआ था कि राजा रियाज के मुंह नहीं लगना, क्योंकि राजा रियाज की बुरी नज़र है। इस हवाले से भी कुछ शायद आप तक पहुंचाएंगे। हमारा काम है आपको हकीकत बताना, यकीन करना ना करना वो आपका काम है। जिस तरह वो सनम अवान और एक और उसका नाम उसका हाइफा खान, तो वो नाम यूज़ करती है लेकिन असल नाम हम आपको बता चुके हैं। अब वो हाइफा खान के साथ राजा रियाज की मजबूरी है, ये वही हाइफा खान है। इन्हीं कपड़ों में अगर इसकी एक हफ्ता पहले वीडियोज़ देखें तो ये अपना जो फेस है इसने किस तरह का बनाया था। अब यहाँ पे अट्रैक्शन के लिए कि लोग अट्रैक्ट हों, लोग वीडियोस ज़्यादा देखें, तो उन्होंने वो बाल भी बांध दिए और कुछ चीज़ें भी दिखा रहे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा, अल्लाह माफ़ करे यार, इंसान इतना गिर जाता है। और स्पेशली राजा रियाज जैसा बंदा कि जिसकी उम्र और उसकी साहबजादी माशाल्लाह से क्या पता 30-32 साल की होगी, तो राजा रियाज को ये हरकतें जेब तो नहीं देती, लेकिन इंसान लालच और हवस का पुजारी है। वो आपके सामने उसकी वीडियो आप देख लें। खैर एनी आओ, अब आपने नाजरीन राजा रियाज की कौन सी बात पे यकीन करना है कि जिसमें वो कलमा पढ़ के कहता है मेरी मैयत पाकिस्तान जाएगी, या जिसमें वो दावा करता है मैं आ रहा हूँ पाकिस्तान पकड़ो मुझे, जैसा इमरान खान कहता था कि मैं आ रहा हूँ इस्लामाबाद, जिसने पकड़ना है पकड़ ले। वो आपने बचपन में जब हम क्लास 3-4 में पढ़ते थे, गडरिए वाली एक कहानी पढ़ी थी कि शेर आया, और असल में इमरान खान का जैसा शेर आ गया, इस तरह राजा रियाज को भी किसी दिन शेर पढ़ जाएगा और अच्छे तरीके से शेर पढ़ेगा। अब वो कहता है जी 25% अकोमोडेशन और फिर B4U का नाम ले रहा है। बुनियादी तौर पर राजा रियाज भी जो इन्वेस्टमेंट इकट्ठी कर रहे हैं सिर्फ सैफुर्रहमान खान न्याजी का फेस सामने रखकर। इस हवाले से सनम अवान, हाइफा खान, राजा रियाज की कुछ और चीज़ें वो आपके सामने रखेंगे। आते हैं वन नेटवर्क के ऊपर। अमीर हुसैन और फामिर मुगल साहब माशाल्लाह खूबरू नौजवान हैं आप, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, और हमारी दुआ है कि अल्लाह आपको इन नौसरबाजियों से भी बचाए जो आप लोगों का खून निचोड़ते हैं। हमारी ये भी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको राह रास्त पर लेकर आए। लेकिन अमीर हुसैन और फामिर मुगल साहब, आप लोगों को बाद में पैसे दीजिएगा, पहले वो अपने उस गरीब चाचे को तो पैसे दे दें जिसकी ज़मीन पर आपने कब्ज़ा किया, पहले अपने उस चाचे को तो खुश कर दें, क्योंकि अल्लाह पाक अपने हकूक तो माफ़ कर देगा, अल्लाह पाक हकूकुल इबाद माफ़ नहीं करेगा। वन नेटवर्क के जितने इवेंट्स हो रहे हैं, मेरा फिर दोबारा से वही सवाल है, वन नेटवर्क के अमीर हुसैन और फामिर मुगल, कैश वर्थ के राजा रियाज, बता दें आपका फिज़िकल प्रोजेक्ट कौन सा है, कोई एक फिज़िकल प्रोजेक्ट मुझे बताएं। अमीर हुसैन और फामिर मुगल कह रहे हैं कि ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कहाँ में कर रहे हैं, हवाओं में कर रहे हैं, अपने ही डॉलर्स शो करते हैं, ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं। जिस तरह वो एक और कंपनी आई थी अलबरका होल्डिंग्स वाली, उन्होंने ट्रिलियम कॉइन लॉन्च किया था, कहाँ पे है वो ट्रिलियम कॉइन? उसने भी सुन्नत रसूल रखी थी, वो अलबरका होल्डिंग के जो जफीर है, क्या जरीफ है, क्या नाम है उसका, जरीफ का, कि वो भी देखें कितना बड़ा नौसरबाज था कि वो जब चलता था, अगर आप उसको देखें तो वो उसे क्या कहते हैं, वो इस तरह इंसान को लगता था यार ये तो सोमो सलात का पाबंद है, ये तो फ्रॉड नहीं करेगा। उस नौसरबाज को देख लें, वो भी दुबई में रुपोश हो चुका है। इन नौसरबाजों का हाल यही है कि जब ये पाकिस्तान में आए, जहीं पर आपको मिलें, आप इनको ऐसी फैंट्री लगाएं कि ये तौबा कर लें। वन नेटवर्क का भी यही हाल है, कोई फिज़िकल प्रोजेक्ट नहीं है, हवाओं में बिज़नेस चलाए जा रहे हैं, लेकिन खुदा रहा ऐसे नौसरबाजों, लुटेरों, बहरूपियों, फ्राडियों और जो इस तरह गिरगट की तरह रंग बदलने वाले लोग हैं, इनसे बच के रहें। अगले प्रोग्राम तक लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।